अगर मैं आपसे कहूं कि लेक्चरर के सबसे इजी क्वेश्चन का गलत आंसर दो पूरे कॉन्फिडेंस में, वो भी पूरे क्लास के सामने, होगा? चलिए दूसरा करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास की सबसे खूबसूरत जो बंदी है उससे जाकर बात करके आओ, बोलिए, सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन कितने लोगों की इसमें फट जाती है। मैं जानता हूं ये चीजें शायद आपसे नहीं होंगी, और यही चीजें हैं जो आपको और एक पॉपुलर उस बंदे को आपसे अलग बनाती है जिसके पीछे सब पागल हैं, जिससे सब बात करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा बिहेवियर रखें कि हम स्कूल कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं और हर कोई हमसे बात करना चाहे। नंबर वन, बी टॉकेटिव। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम अपने जैसा ही कोई लड़का उठा लेते हैं और राम और श्याम की तरह किसी कोने में बैठकर बतियाते रहते हैं, जिस वजह से क्लास में आपको कोई नहीं जानता है। जानता भी है तो शक्ल से जानता है कि यार हाँ, ये भी चुमू आता है इस क्लास में। हमें चाहिए कि हम हर किसी से बात करें स्कूल कॉलेज में, यानी आपके पास बंदे बंदे की कभी कमी ना हो बात करने के लिए। हमेशा अगर एक बंदे के साथ चिपके रहोगे तो आई नो आप कंफर्टेबल रहोगे, बट कुएं के मेढक बन के रह जाओगे। आपको चाहिए हर किसी से बात करना, लड़का लड़की, दोस्त दुश्मन, ग्रुप में बात करो, टीचर्स से बात करो, जूनियर्स से बात करो, सीनियर्स से बात करो, हर किसी से बात करो। इससे क्या होगा, आप पॉपुलर होते जाओगे, लोग आपको धीरे धीरे करके जानते जाएंगे। जैसे ही आप पॉपुलर होते जाओगे, लोगों से बात करते हुए लोग आपको देखेंगे, लोग सोचेंगे कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। लोग आपको हर किसी से मिलते देखेंगे, हर किसी से बात करते देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी चर्चा होगी, ऑटोमेटिकली आप ट्रेंड में जाओगे, आप पॉपुलर हो जाओगे। पॉइंट नंबर टू, अप्रोच इन कॉन्फिडेंस। एक लड़का एक लड़के के साथ तो बहुत कंफर्टेबल होता है, बट लड़की से बात करते जाते टाइम फट जाती है उसकी। जब वो जाता है बात करने, डर के मारे बोलता है हाय, आई एम सुमन। लड़की बोलती है अबे सुमन तो मेरा नाम है। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। जब भी अप्रोच करो किसी भी लड़का या लड़की को, किसी को भी अप्रोच करो, तो एकदम फाड़ू कॉन्फिडेंस में अप्रोच करो। चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और एक वैलिड रीजन होना चाहिए जिस वजह से आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। लाइक हे सुमन, हाउ आर यू, तुम्हारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा क्या, थोड़ा सा काम था यार, दे दो। लाइक हे अमन, तू तो देव वाले ग्रुप में है ना, साले मेरे को भी एंट्री दिलवा, उसमें एक से खूबसूरत बंदियां हैं और उसमें डबल बैटरी टॉपर राम भी तो है, उससे फर्रे बनवाऊंगा दोस्ती करके। सो द थिंग इज, आपको अपना एटीट्यूड हर किसी के सामने सेम रखना है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, डजंट मैटर। लड़की भी इंसान ही होती है, कोई भगवान नहीं होती या जानवर नहीं होती जो आपको खा जाएगी। पॉइंट नंबर थ्री, अप्रिसिएट पीपल। जिन भी लोगों के साथ आप रहोगे, जिन भी लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करने वाले हो, उनको बहुत अच्छा फील करवाओ। लाइक कोई इंसान है जो आपको बहुत अच्छा फील करवाता है, आप डेफिनेटली दूसरे को छोड़कर उसके साथ रहना चाहोगे, है ना? तो हमें दूसरों को अच्छा फील करवाना चाहिए जिससे वो हमारे पीछे पागल रहे। इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है जो बहुत से प्रोफेशनल कम्युनिकेटर यूज करते हैं, वो है साइलेंटली अप्रिसिएट करो। साइलेंटली अप्रिसिएट करो यानी आपने अप्रिसिएट किया भी नहीं और अप्रिसिएट भी कर दिया। जैसे छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने दोस्तों को कहते रहोगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ। जैसे कि यार आज तेरे साथ मज़ा आ गया भाई, तेरा माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, तू अमेजिंग पर्सन है यार, तेरे साथ रहने में मज़ा आता है। लोगों की तारीफ करोगे, उन्हें आपके साथ रहने में अच्छा लगेगा, उन्हें आपके साथ रहने में अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा आपके साथ रहेंगे। और ये चीज़ अगर आप हर किसी के साथ करते हो तो हर कोई आपके साथ रहना चाहेगा। हे गाइस, आपने अपने भाई समर को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, क्यों फॉलो करोगे? पहला बातचीत कर सकती हो, और दूसरा एटीट्यूड वाले रील्स पोस्ट कर रहा हूँ, मज़ा आएगा देखने में, शेयर करना, तुम भी एटीट्यूड फील करना। पॉइंट नंबर फोर, डोंट थिंक दैट यू आर शाई। कभी भी अपने दिमाग में ये मत सोचो कि आप शाई हो, क्योंकि आप जो सोचते हो वही आपका दिमाग मान लेता है, क्योंकि वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में आप जो पहुँचाओगे वही आपका दिमाग मान लेगा। सो कभी ये मत सोचो कि आप शाई हो, हाँ ये सोच सकते हो कि आप कम बोलते हो, वेल दैट इज ओके। आपको ये सोचना है कि वेल मैं कम बोलता हूँ बट अब मुझे ज़्यादा बोलना है। रीज़न ये है कि जब भी मैं किसी से बात करूँ तो वो अक्वर्ड साइलेंस नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझे ज़्यादा बोलना है। सो इसके लिए आप रेगुलर 10 नए बंदों से 5-5 मिनट करके बात करो। बात कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, बट करो। इससे आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। पॉइंट नंबर फाइव, इम्प्रूव वे ऑफ टॉकिंग एंड एक्सप्रेशंस।
हम क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता है, हम कैसे बोलते हैं ये मैटर करता है। चलो एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। अगर हम बोले मैम ज़रा अपने हाथों से 1 किलो भिंडी तो तोल दीजिए, और फिर मैं बोलूँ अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या, मैं तेरे से प्यार करता हूँ पागल, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। पहले वाला जो डायलॉग था बहुत गंदा डायलॉग था, सब्जी मार्केट का डायलॉग था, बट वे ऑफ टॉकिंग और एक्सप्रेशन की वजह से बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम रोमांटिक लग रहा था। बट दूसरा डायलॉग बहुत रोमांटिक था, रोमांटिक मूवी से ही उठाया गया है, बट स्टिल उसका वे ऑफ टॉकिंग और एक्सप्रेशन सही नहीं था, जिस वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। तो सोचो वे ऑफ टॉकिंग और एक्सप्रेशन भिंडी तोलने के डायलॉग को अच्छा बना सकता है तो और क्या क्या कर सकता है। इसीलिए वे ऑफ टॉकिंग और एक्सप्रेशंस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, इसके लिए आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, मेक योरसेल्फ लीडर। हमेशा ध्यान रखो आपको अपने पर्सनैलिटी को लीडर प्रेजेंट करना है। लीडर बनने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, पहला ग्रुप्स में एंटर करना है और दूसरा मल्टीप्लेयर गेम्स खेलना है लाइक कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट। ग्रुप में एंटर होने के बाद लीडरशिप आपके हाथ में यूं ही नहीं आ जाती है, नेपोटिज्म नहीं चल रहा है यहाँ पे। देखो आपको निकल कर दिखाना पड़ेगा कि आप एक लीडर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपका बॉलर जो है बहुत ज़्यादा पिट रहा है, तो आप उसको जाकर एक आइडिया दे सकते कि यार तू दो शॉर्ट बॉल दे, दो शॉर्ट बॉल पर वो शॉट मारेगा, थर्ड भी वही समझेगा, यॉर्कर पर कुछ गलती करेगा, आउट होएगा। तो इस तरह के आइडियाज रिप्रेजेंट करके खुद को प्रूव करके आप एक लीडर बन सकते हो। पॉइंट नंबर 7, लव योरसेल्फ। अक्सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे जलेंगे, आपको हेट करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम आप में है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिलीव करो कि आप बेस्ट हो, खुद को सुधारो, मगर खुद पर शक मत करो कि आप किससे कम हो। पीठ पीछे बोलने वाले उसी के होते हैं जिसका सिक्का चलता है। हजारों कुत्ते भौंकते हैं जब एक हाथी गुजरता है, इसका मतलब ये नहीं कि हाथी अपना रास्ता बदल दे। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने कुछ बुक्स में पढ़ी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस थे, सबको मिलाकर मैंने आपको दिया है। यंग पीपल के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होगा मुझे पता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करें, एंड वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी अब अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे catchyourmentor.com पर जाकर बुक कर सकते हो, आपको मेरा प्रोफाइल देखेगा, वहाँ पर जाकर बुक करो। जब आप बुक कर लेते हो, पेमेंट कर देते हो, उसके बाद हम लोग जूम कॉल और कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं, एंड आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।